फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साड़ी को, जैसे साड़ी की जो किनार होती है उसको पीको कैसे करते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। तो पहले हमने साड़ी को इस तरह से सीधा रखा है और उसके बाद जो साइड का जो है, इसको हम सीधी पहले कटिंग करते हैं। इसकी पहले हम इस तरह से सीधी इसकी कटिंग करेंगे, जैसे इसके कोने वगैरह निकले होते हैं तो हम इसको एक जैसा इसको पहले कट करेंगे। इस तरह से हमने इसको सीधा कट करना है। इस तरह से हमें सीधा पहले कट करना है, फिर उसके बाद इसको हम मशीन पर पीको करेंगे। तो अब ये मशीन पे कैसे पीको करते हैं ये देखते हैं। जब हम सिंपल मशीन पे पीको करेंगे तो ये जो दाब होता है, तो ये हमारा सिलाई का दाब होता है, लेकिन ये पीको के लिए ये दूसरा दाब होता है, तो इसको हम चेंज करेंगे। जैसे इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। इस तरह से हमने इसको बिठाया है। अब जो धागा है इसको हम पीछे करके, दाब चेंज करने के बाद ये जो है इसको इस बड़ा ये बटन को हम ई पर इस तरह से रखेंगे, ये पिको करने के लिए। अब ये जो साड़ी की किनार हमने सीधी कटिंग की थी, इसको हम इस तरह से इसको यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे ये जो साड़ी की किनार है इसको हम सीधा पकड़ेंगे। सीधा पकड़ने के बाद फिर हम इसको इस तरह से पीको बन होता है। इसको इस तरह से सीधा पकड़ना है। इस तरह से हमारी ये पीको होती है। इस तरह से हमें पूरे पल्लू को पीको करना है। इस तरह से हमने ये पूरे पूरे एक साइड में हमने इसको पीको किया है, तो इस तरह से ये पीको आता है। ये सिंपल मशीन पे हमने ये पीको किया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।